बीते सोमवार को लालकुआ कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बिंदुकता क्षेत्र के 3 कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में 5 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद आज कोतवाली पुलिस ने लगभग 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और हवालात में बंद हुए अभियुक्तों को छुड़ाने के प्रयास करने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। यहां उक्त जानकारी देते हुए कोतवाल सिद्धीर कुमार ने बताया कि विगत रविवार को कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि बिंदुकता क्षेत्र में 2 पक्षों में झगड़ा हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज चौधरी मौके पर पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को समझाया, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर हमला बोल दिया जिसमें उनको काफी चोटें आई, जिसके बाद सोमवार की सुबह लगभग 40 से 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली आकर धरना प्रदर्शन एवं पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की तथा सरकारी काम में बाधा डालते हुए बंद अभियुक्तों को छुड़ाने का प्रयास किया, जिसके संबंध में उप निरीक्षक सीमा आर्य की तहरीर पर उक्त लगभग 40 से 45 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। और इस मैक पर हमने बहुत जबरदस्त कार्रवाई करी है। पिछले साल करीब करीब शराब पे 30-35% ग्राफ जो है हमने बढ़ाया है, लोगों को अरेस्ट किया है, बहुत अधिक मात्रा में शराब बरामद की है और स्मैक के मामलों में करीब करीब 600% की वृद्धि की गई है और इस पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे लिए सारे कर्मचारियों को हमारे निर्देश हैं कि कोई भी कच्ची शराब बेचता है या स्मैक बेचता है या कोई भी अवैध धंधा करता है उस पर उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उस पर कार्रवाई करें, उसको थाने पे लाएं, मुकदमा लिखें, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। हमारे द्वारा जो कोतवाली में जिन्होंने जो हमारे मुलजिम थे उनको छुड़ाने का प्रयास किया है और थाने में आके उपद्रव मचाया है, उनके 45 लोगों के खिलाफ में अज्ञात लोगों के खिलाफ में मुकदमा लिखा है और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी।